चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपना। कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 अभी जब हम लोग स्टार्ट करें। मैंने कल इस क्वेश्चन के बारे में दो चीजें वो बोला था, शायद शॉर्ट्स भी पढ़ा था इसका। एक बार बस रीकैप करने के लिए वही वाला शॉर्ट्स पढ़ देता हूं। वन ऑफ द वेज टू गिव इंसेंटिव इज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड टाइम। जब स्टैंडर्ड टाइम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली बोनस आई जाएगा। If there is a guaranteed wages concept, compute the wages as per the plan and compare it with the guaranteed wages. Pay whatever is higher. ठीक है, तो चलिए इस चीज के साथ let's start away with question number 8 right now. अच्छा question है ये, okay? इसके अंदर वो सब चीजें आएंगी जो शायद अपने कल वाले question के अंदर भी आया था, okay? So let's start. पढ़िए जरा please. During the first week of April, the workman Mr. Kalyan manufacture 300 articles. ठीक है, he receives wages for guaranteed 48 hours per week at the rate of 4 per hour. चलिए ठीक है, तो देखो उन लोगों ने लिखा हुआ है he receives wages for guaranteed 48 hours per week at the rate of rupees 4 per hour. तो उसको इतने का तो गारंटी किया गया है कि भाई तेरे को इतना वेजेस तो देंगे देंगे। ठीक है, आगे फर्दर, the estimated time to produce one article is 10 minutes and under the incentive scheme the time allowed is increased by 20%. acha ye line main fir se padhta hu, the estimated time to produce one article is 10 minutes. mere ko bolo tumhare hisab se ye 10 minutes kya hoga? standard time. ye standard time har unit ke liye 10 minute jo hai wo lagna chahiye. aur un log ne aage kya likh diya, and under the incentive scheme दिस टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाई 20%. तो उन लोगों ने कोई एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया, उसके अंदर इस टाइम को कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 20%. मतलब अभी हर मिनट के लिए, सॉरी हर यूनिट के लिए टाइम अलाउड कितना हो जाएगा? 12 minutes. तुमको समझ में आएगा द मोमेंट योर स्टैंडर्ड टाइम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली बोनस विल इंक्रीज, नो देन? ओके, ये हम लोगों ने कल चिंटू और काका की स्टोरी याद है? याद है, ठीक है. आगे द इंसेंटिव टेक्स केयर ऑफ नॉर्मल एलिट टाइम. अभी तुमको ये चीज भी पसंद आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर ना नॉर्मल एलिट टाइम इंक्लूड किया था. ओके, वो लोग क्या बोलता है, इन सब चीजों के अंदर नॉर्मल एलिट टाइम इंक्लूडेड है. तो जान छुट्टी, क्योंकि यहां पे नॉर्मल एलिट टाइम इन टाइम्स के अंदर है. ठीक है, आगे कैलकुलेट हिज ग्रॉस वेजेस अकॉर्डिंग टू. यहां पे तीन अलग अलग प्लान है. देखो तीन प्लान क्या है, पीस वर्क प्लान मतलब एसपीआर सिस्टम विथ गारंटीड वीकली वेजेस. ओके, मतलब वर्कर लोगों को गारंटी करके दिया हुआ है, लेकिन उनका जो प्लान है वो कौन सा प्लान है? पीस वर्क प्लान. तो हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे पीस रेट के हिसाब से इनको कितना वेजेस आता है, फिर उसके बाद ये देख लेंगे कि यहां पर जो गारंटीड वेजेस है वो कितना है. ओके, एंड वट एवर इज हायर वी विल बी पेइंग एज सच. ये हम लोगों ने शायद कल कर भी लिया था. उसके बाद रोवन प्रीमियम बोनस, हैल्से प्रीमियम बोनस विद, ये जोर से पढ़ो, विद क्या लिखा है? 60% टू द वर्कमैन. ओके, तो हैल्से के वो बच्चे लोगों ने वो बोला था ना कि पापा 50% बोला या 60% बोला, तो इट इज नाउ 60%. तो फॉर्मूला के अंदर 50% के बदले में 60% आ जाएगा और कुछ नहीं है. ठीक है, चलो सुन सर, थोड़ा सा ना व्यू चेंज हुआ है मीटिंग का, तो थोड़ा अगर नॉर्मल जैसा हो सकता है तो. बेटा नॉर्मली है ये, आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री टू दैट. बराबर है, नॉर्मली है बेटा. तू एक बार बंद करके यू कैन रीजॉइन. ठीक है, तो वो बराबर ही है बेटा. ठीक है, चलो नाउ इन दिस केस ना स्टार्ट कर लेते हैं. देखो सबसे पहले ना ये 12 मिनट्स की स्टोरी मैं कंप्यूट करता हूं. ओके, तो लिखिए जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड टाइम. ओल्ड स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट्स का था प्लस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20%, 2 मिनट्स. दिस इज न्यू स्टैंडर्ड टाइम.
अच्छा सुन, देखो मेरे को पीस वर्क रेट के लिए, मेरे को पीस वर्क के लिए रेट पर यूनिट चाहिए। कल भी अपने पास रेट पर यूनिट तो नहीं था, तो कल हम लोगों ने रेट पर यूनिट कैसे निकाला था, मेरे को जरा याद कराओ। रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आर। यूनिट्स पर आर के बदले में ना यहाँ पे लिख देना जो कल अपने शॉर्ट्स के अंदर भी था, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर, जस्ट इफ यू वांट टू बी मोर क्लियर। ठीक है सुन, रेट पर आर देख लो यहां पे है बेटा 4 पर आर, ठीक है 100 रुपीज 4 डिवाइडेड बाय ये वाला डेटा लो, ओरली ही कर लो, कैलसी की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे को स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर बताओ। 5 एक यूनिट के लिए 12 मिनट वो लगने चाहिए थे, तो 60 मिनट्स के अंदर यूनिट्स पर आ रहा हूं, तो 60 मिनट्स के अंदर 5 मिनट्स तो वो बनने चाहिए थे, तो यहां पर एक बार लिख लेना 60/12 रुपीज 4 पर आर डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स पर आर, तो ये हो जाएगा 0.8। चलो सुन, वी आर स्टार्टिंग विद प्लान विद पार्ट ए ऑफ द सम, पीस वर्क सिस्टम विद गारंटीड वीकली वेजेस। तो उसका जो प्लान है ना वो पीस रेट है, तो वेजेस एज पर प्लान दैट इज एसपीआर इज इक्वल टू। अच्छा सम देखे सब लोग जरा बोलो कितने यूनिट्स बनाए बॉस। 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 240। लेकिन याद रखना वर्कर को ना वेजेस का गारंटी भी दिया हुआ है इधर with guaranteed weekly wages. Okay, so therefore compare that with guaranteed, ये सारा का सारा डेटा एक हफ्ते का यहां, with guaranteed weekly wages. अच्छा देखो guarantee के लिए उन लोगों ने एक लाइन बोला था, he receives wages for guaranteed 48 hours per week at the rate of 4 per hour. तो 48 hours at the rate of rupees 4 per hour 192। मेरे को बोलो द वेजेस टू बी पेड विल बी टोटल ऑफ दीज टू 240। इट विल बी 240 हायर ऑफ अबव। हायर ऑफ द अबव पार्ट बी। सुनो याद रखना जब आप पार्ट बी कर रहे हो ना प्लीज अभी पार्ट ए को भूल जाओ, वो अलग प्लान था, अभी अलग प्लान स्टार्ट हो रहा है। देखो पार्ट बी और सी दोनों हेल्से और प्रीमियम हेल्से और रोवन सिस्टम्स ही हैं, ठीक है। यहां पे ना बी और सी इकट्ठा ही दिख लेंगे। सुनो मैं ना तुम लोगों को बस वर्ड्स लिख के दे रहा हूं और कुछ नहीं, लेकिन जब पार्ट बी कर रहे हो पार्ट ए बीच में नहीं देकर आना, ठीक है। अपने को हेल्से और रोवन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है सर बेसिक वेज रेट, तो लिखो इधर बेसिक वेज रेट रुपीस 4 पर आर। ऑब्वियसली ये रेट पर यूनिट था, अब मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो टाइम बेसिस सिस्टम का बात कर रहा हूं। बेसिक वेज रेट रुपीस 4 पर आर, ठीक है। उसके बाद अपने को टाइम अलाउड चाहिए, एक लाइन छोड़ देना, लेस टाइम टेकन चाहिए, दिस विल गिव यू टाइम सेव्ड। अच्छा कल किया भी था मेरे ख्याल से, मेरे को बोलो टाइम अलाउड मतलब टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो अगर चाहो तो यहां पे लिख देना टाइम अलाउड फॉर 300 यूनिट्स, टाइम टेकन फॉर 300 यूनिट्स। अच्छा ये कैलकुलेशंस बाद में करना, अभी के लिए बस वर्ड्स लिख के रखो,
हर यूनिट के लिए टाइम अलाउड वॉज 12 मिनट्स, ये तुमको यहां पर बहुत काम में आने वाला है, ठीक है? तो वो तुम लोग कंप्यूट कर लेना। उसके बाद सबसे पहले तुम लोग को बेसिक वेजेस कंप्यूट करनी होंगी। लिखो इधर बेसिक वेजेस, इट बी सम आवर्स एट द रेट ऑफ सम आवर, यहां पे ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोनस हेल्थ से 50% नहीं लिखना, बस 60% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर लिख लो। नेक्स्ट लाइन कैलकुलेशन के लिए छोड़ देना। उसके बाद रो वन, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस। नेक्स्ट टू लाइंस कैलकुलेशंस के लिए वो छोड़ देना। एक बार ये वाला काम हो जाएगा उसके बाद टोटल वेजेस, टोटल वेजेस इज इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस बोनस। तो एक बार हेल्से का कंप्यूट कर लेना और एक बार रोवन का कंप्यूट कर लेना। तुम लोग अभी फेयर के अंदर ही करो, तुम लोगों ने इनफ क्वेश्चंस किए हुए हैं ताकि तुम्हारा सारे के सारे आंसर्स करेक्ट ही आएंगे, ठीक है? आई टर्न टू द क्वेश्चन इन जस्ट 10 seconds। I'm turning to the question, please. किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज करो प्लीज। ये तुम्हारे आंसर्स आएंगे। प्लीज अपने आंसर्स चेक कर लो। टू 20.8, 230.4, 300 यूनिट्स। हर यूनिट के लिए 12 मिनट लगना चाहिए था, इतना टाइम लगना चाहिए था। You can always divide by 60 to convert it into hours. So, 60 hours aa jayega. Time taken will be 48 hours, 12 hours. 48 into 4, 192. 60% of 12 into 4. Ye kitna aata beta? 28.8. Time saved 12 upon 60 into 192. Ye kitna aata? 38.4. Bas. Answer aa gaya. थर्टी फाइव सेकेंड्स में स्टार्ट कर रहा हूं। सर बेसिक वेजेस कैसा है बेटा? इट इज नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इज 48 इनटू 4। हां सर अभी वीडियो पूरा ब्लैक हो गया। एक सेकंड, चलो सुनो। सो दीज आर योर आंसर्स, 230.8 एंड 220.8 एंड 230.4, ठीक है? चलिए तो अभी आगे चल पड़ते हैं। You
क्वेश्चन नंबर 9 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे 12 मार्क्स लिख सकते हो. आएगा तो 12 मार्क के लिए आना चाहिए. सुनो अभी ना, इससे पहले जैसे कल एक दो स्टोरीज आई थी, ओके अभी ध्यान से सुनना प्लीज. एक वन मोर स्टोरी यू विल रिक्वायर ताकि तुमको एक दो पॉइंट जो है समझ में आ जाए. तुम लोग किसी जमाने में, 9th स्टैंडर्ड में था किसी जमाने में, ओके तभी तुमको 80% मिला था, ठीक है. दिस 80% वॉज एक्चुअल, ठीक है. जब ये 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा, तुम लोग को ऑब्वियसली लगा यार 9th स्टैंडर्ड में ही 80% मिला था, अभी 85% तो मिले, ओके तो ये 80% 9th स्टैंडर्ड का कौन सा डेटा था? एक्चुअल. लेकिन पास डेटा अक्सर फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड बन जाता है. तुमको समझा ये चीज? इट डज हैपन कि इन दिस केस नो, पास डेटा माइट बिकम स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर. एग्जांपल, जब भी 10th स्टैंडर्ड में आए, तुम्हारे दिमाग के अंदर आया यार यहीं पर 80% मिला था, अभी उससे 5% ज्यादा तो मिले, मेरे को 85% तो मिले. यह अलग बात है जब रिजल्ट आया तुमको 75% ही मिला, ओके. फिर उसके बाद तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड आया, ओके 12th स्टैंडर्ड के अंदर तुम लोगों ने सोचा सारा 10th के अंदर ही यार 75% मिला था, अभी 75% तो मिले, ओके. जब ये रिजल्ट आया ओके बोर्ड्स का, तब इन दैट पर्टिकुलर केस पता चला कि 60% ही मिला, ओके. ये क्या है? एक्चुअल. ये क्या है? एक्चुअल. जरा सोचो, ये 75% पहले कौन सा डेटा था? स्टैंडर्ड. ये पहले कौन सा डेटा था? एक्चुअल. लेकिन फ्यूचर के लिए दैट ऑलवेज बिकम्स अ स्टैंडर्ड, ऐसा अक्सर होता है. फिर तुम्हारा सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, तुम लोगों ने सोचा सर 12th के अंदर ही 60% मिला था, अभी 60% तो मिले. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बात नहीं करेगा अभी, ओके. तुम लोगों को 50% मिल गया, ओके. तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये 60% पहले का एक्चुअल था, बट फ्यूचर के लिए दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड, ओके. अब मैं सीए इंटर का एग्जांपल वो नहीं दूंगा, ओके, तो बुरा हो जाएगा. सुनो मेरी बात. इन एनी केस स्टैंडर्ड, सॉरी एक्चुअल डेट ऑफ पास्ट एक्चुअली स्टार्ट्स टू बिकम स्टैंडर्ड्स फॉर द फ्यूचर. इट डज हैपन. अभी पिछले साल कोई कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया था, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर कंपनी सोचती है यार पिछले साल ही इतना कमाया था, इस साल उससे ज्यादा तो कमाए. सो फॉर फ्यूचर दैट डेटा स्टार्ट्स टू बिकम स्टैंडर्ड, ओके. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू बी फिक्सिंग द स्टैंडर्ड, ओके, कि डेटा ऑफ पास्ट, एक्चुअल डेटा ऑफ पास्ट स्टार्ट्स टू बिकम स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर. दिस इज वन ऑफ द वेज टू बी ट्राइंग टू थिंक अबाउट स्टैंडर्ड्स. ठीक, ये स्टोरी लेके लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पढ़िए. मिस्टर ए इज एम्प्लॉय इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है. ही इज कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्कीम, ठीक है. ईदर हेल्थ इंसेंटिव स्कीम विद 50% बोनस और रोवन इंसेंटिव स्कीम ऑफ वेज पेमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाई 25%. मैं एक दो लाइन और पढ़ता हूं, देन आई विल कम बैक टू दिस पैराग्राफ. ही फील्स दैट इफ द प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द वर्कर, इट कुड एक्ट एज अ सफिशियंट इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर एंड ही इज अकॉर्डिंगली गिवन हिज अश्योरेंस टू द वर्कर्स. मिस्टर ए है, उसके पास 10 वर्कर लोग हैं. एक दिन ना सडनली उसको पता चला कि, या फिर सडनली उसको लगा कि ना डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट 25% से बढ़ने वाला है. जरा सोचो, अगर डिमांड 25% से बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी तो 25% से बढ़ाना पड़ेगा, ओके. तो वर्कर्स को शायद हम लोग आर्ली सिस्टम्स के हिसाब से पे करते हैं. सपोज वी पे द वर्कर्स ऑन आर्ली सिस्टम्स, ठीक है. जरा सोचो, अगर हम लोग वर्कर लोग को आर्ली सिस्टम्स के हिसाब से पे करते हैं और अगर हम लोग उनको ये बोलेंगे भाई प्रोडक्शन ज्यादा करो, उनको तो फिर भी पेमेंट सेम ही मिलेगा. तो वो क्या सोचता है कि ना वर्कर को थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, उसने सोचा कि ना हेल्से या रोवन स्कीम, दोनों में से एक कोई स्कीम लॉन्च करेगा और ऐसा कोई स्कीम लॉन्च करेगा जिसके अंदर देयर वेजेस विल इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द वर्कर, जितना वो लोग करंटली कमा रहे हैं
ओके, उससे 20% ज्यादा अगर उनको मिल जाएगा ना उस स्कीम के अंदर, तो वो लोग खुश हो जाएगा। तो एक मिनट, दो चीजें, वर्कर्स को बोला गया कि आप लोग 25% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देना। तो मिस्टर ए ने आगे क्या बोला, अगर तुम लोग 25% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दे दोगे तो मैं एक ऐसा स्कीम लॉन्च करूंगा, आगे बोलो, जिसमें आपको 20% जो है एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक, और ये देखो लास्ट लाइन, ही हैज गिवन हिज अश्योरेंस टू द वर्कर्स, उसने अपनी जबान वर्कर लोगों को दे दी, ठीक है, कि भाई इफ यू गिव मी 25% एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, आई कमिट टू यू दैट आई विल पे यू 20% एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ बोनस, एंड फॉर दैट आई विल लॉन्च ईदर हेल्से स्कीम और रोवन स्कीम। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि ऐसा वर्कर्स को करना है, अगर वर्कर लोगों ने ऐसा किया, मिस्टर ए को ऐसा करना है। ठीक है, आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व। तो वो क्या बोलता है कि ना, ये अश्योरेंस देने के बाद इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो रहा है, वर्कर्स हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मतलब इंक्रीज द स्पीड, एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करंट मंथ। ठीक, आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड 2 रुपीज, तुम्हारा नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक वेज रेट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज गारंटीड वेज रेट। अभी ये लाइन की वजह से ही मैंने तुमको 10th, 12th और सीए फाउंडेशन की स्टोरी बताई, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस। ओके, दिस इज एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस 2 आवर्स। और आगे जरा देखो, ये पढ़ो सब लोग, तो मेरे साथ दिस पढ़ो सब लोग, दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउड। तो पहले क्या होता था, एक वर्कर 1 यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल के अंदर कितना टाइम लेता था, 2 आवर्स। अभी इस स्कीम के लिए इन लोगों ने इसी को क्या बोल दिया, टाइम अलाउड, दिस इज एक्चुअल पास डेटा विच हैज बिकम, आगे बोलो, स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये वाला डेटा अभी के लिए स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं, सुनो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर मंथ 25, हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर 8, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1250। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आर अंडर हेल्स एंड रोवन। तुमको इफेक्टिव रेट तो मालूम है क्या होता है, ये पार्ट तुमको सोचना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द अबव स्कीम्स। चलो ठीक है, एडवाइज मिस्टर ए अबाउट सिलेक्शन ऑफ ए स्कीम टू फुलफिल द अश्योरेंस। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अभी ना पार्ट ए जो है ना वो सिंपल है, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आर अंडर हेल्स एंड रोवन। तो लेट्स स्टार्ट टू बी डूइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली। तो लिखो जरा प्लीज, यू ऑल राइट डाउन पार्ट फर्स्ट। सुनो, अभी इसका जो फॉर्मेट है ना वो ऑलमोस्ट लास्ट टाइम की तरह ही रहेगा। इफ यू आर श्योर तुम लोग जो भी करते हो वो करेक्ट ही करते हो, तो फिर तुम लोग डायरेक्टली पेन के अंदर लिखना स्टार्ट करना। इफ यू आर नॉट वेरी श्योर देन वेट, ओके, देन ट्राई टू टेल मी द आंसर्स, इफ आई कंफर्म देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू ऑल कैन कंटिन्यू। सुनो, पहले मेरे को जरा बोलो, अभी आप लोग को अगर आंसर निकालने का है तो ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरे को बोलो ये हेल्से रोवन ही है ना, हेल्से रोवन के लिए यू ऑलवेज फाइंड आउट टाइम अलाउड। मेरे को बोलो टाइम अलाउड मीन्स टाइम अलाउड फॉर, आगे बोलो, 1250 एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब 1250 यूनिट, दिस इज माय ओनली हिंट फॉर यू। तो बेसिक वेज रेट देख लेना, टाइम अलाउड फॉर 1250 यूनिट्स, ऑब्वियसली टाइम टेकन फॉर 1250 यूनिट्स, उसके बाद यहां पर बेसिक वेजेस निकाल लेना, बोनस के अंदर ऑब्वियसली यहां पे 50% वाला फॉर्मूला ही आएगा, यहां पे तो शायद लिखा भी हुआ है कि 50% फॉर्मूला ही लेने का। ठीक है, वो सब कुछ कर लो इन दिस केस। सुनो, काम खत्म नहीं हुआ, पहले मेरी बात वो सुनना आराम से। देखो ये सब कुछ कर लेना, तुम्हारा टोटल वेजेस आ जाएगा, लेकिन ना पार्ट वन के अंदर आपको टोटल वेजेस नहीं पूछा है, पार्ट वन के ना इफेक्टिव वाली रेट पूछा है बेटा। तो यहां पर एक आखिरी चीज अपने को निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव आर्ली रेट।
इफेक्टिव आर्ली रेट अपने को हेल्से और रोवन दोनों के अंदर चाहिए। इफेक्टिव आर्ली रेट कैसे मिलता है? इट विल बी दीज फिगर्स डिवाइडेड बाय, एक मिनट मेरे को जरा बोलो, दीज फिगर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आर्ली रेट के लिए किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ आवर्स वर्क या टाइम टेकन, दोनों का मतलब हमेशा सेम ही होता है। वंस यू ऑल डू दैट दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। बस मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग एक एरर कर सकते हो जो मैं तुम लोग को एडवांस के अंदर बोल देता हूं। मेरे को बोलो मिस्टर ए के पास कितने वर्कर लोग हैं बेटा? 10। वो वाला चीज हमेशा याद रखना, यू आर कंप्यूटिंग द डेटा फॉर द एंटायर कंपनी, एक वर्कर की कहानी नहीं है, सारे के सारे 10 वर्कर्स की जो कहानी है ना वो आप इकट्ठा ही खत्म करो, ठीक है। ये वाला चीज आपके पास पिछले क्वेश्चन से है तो मेरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तुम्हारे पास 5 मिनट है, मेरे को इफेक्टिव आर्ली रेट चाहिए, मेरे को इफेक्टिव आर्ली रेट तुम लोग बताओ, ओके। फेयर के अंदर करने का है, इट इज बेटर, ओके। इफ यू आर नॉट श्योर फिर पेंसिल के अंदर करो ऑल दोस नंबर्स। 5 मिनट के अंदर खत्म करने का ट्राई करना। जो अभी तक आंसर्स मिले सब करेक्ट हैं। चलो सुनो, मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, एक यूनिट के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए था? 2 आवर्स सम के अंदर है तो 2500। कितना टाइम लग गया? कितना टाइम लग गया तो देखो वर्कर लोगों ने कितने घंटे काम किया, तो देखो जरा 25 डेज एवरी डे 8 आवर्स इंटू एक और चीज से मल्टीप्लाई करना था, कौन सी चीज से बेटा? 10 वर्कर्स, तो 2000 घंटे काम किया, ठीक है। तो 500 आवर्स इज गोइंग टू बी टाइम सेव्ड। बेसिक वेजेस 2000 × 2, दिस विल बी रुपीज 4000। उसके बाद 50% ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड बोले तो 500 × 2, तो ये 500 रुपये आ जाएगा। टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू बेसिक वेजेस 500 upon 2500 × 4000, तो 800 रुपये का यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 4000 का बेसिक वेजेस, उसके बाद 500 या 800 का बोनस, सो दिस इज 4500, दिस इज 4800। तो 4500 वॉज द टोटल वेजेस ऑब्वियसली फॉर 2000 आवर्स, तो इफेक्टिव वाली रेट यहाँ पे 2.25 हो जाता है, यहाँ पर 2.40 हो जाता है, ओके। एवरीबडी गॉट दीज आंसर्स नो? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, सुनो, एवरीबडी गॉट दीज आंसर्स? एवरीबडी? यस सर। ओके, आगे चल पड़ते हैं। सुनो अभी ना मैं तुमको नेक्स्ट वाले के लिए ना एक एग्जांपल दे दूंगा, एक छोटा सा ही कैलकुलेशन करना आंसर आ जाएगा। देखो, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द अबव स्कीम्स। अभी इसका एग्जाम्पल ना मैं तुमको यहां से नहीं दे रहा हूं, कुछ और एक अजीब सा एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी एग्जाम्पल। 10 यूनिट्स बनाने के लिए वर्कर लोगों को 20 आवर्स लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 10 यूनिट्स बनाने के लिए वर्कर लोगों ने 15 घंटे लिया, ठीक है। तो 5 आवर्स विल बी नथिंग बट टाइम से, ये मैं अजीब अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है।
सपोज जो बेसिक वेज रेट है ओके वो रुपीज 4 पर आर है जो बेसिक वेज रेट है. तो अब जरा ध्यान से सुनना, बेसिक वेजेस 15 आवर्स इंटू 4 60 रुपीज का. मैं तुमको एक ही एग्जांपल दे रहा हूं से हेल्से का, ठीक है. हेल्से 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर. तो 50% ऑफ टाइम से बोले तो 5 इंटू 4, ठीक है. तो ये 10 रुपीज आ जाएगा. तो दिस इज 70. अगर कोई तुमको ये पूछेगा कि ना कंपनी ने, देखो ये वाला रिक्वायर्ड पार्ट, सेविंग्स टू मिस्टर रे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द अबव स्कीम, की कंपनी को लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना बचा, ठीक है, ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने की वजह से. पहले मेरे को जरा बोलो, अगर वर्कर नॉर्मल वर्कर होते 10 यूनिट्स के लिए कितना आर्स लेते बेटा? 20. तुम लोग हर आर के लिए कितना रुपीज उसको पे करते? 4. तो 80 रुपीज का खर्चा होता. लेकिन अभी बोनस जोड़ के भी तुम लोग हेल्से के अंदर कितने रुपीज का पेमेंट कर रहे हो? 70. तो तुम लोग भी 10 रुपीज तो सेव कर ही रहे हो ना यार. दिस इज नथिंग बट सेविंग्स. एंड 10 रुपीज वॉज योर सेविंग्स. मेरे को बोलो फॉर कितना यूनिट्स? 10 यूनिट्स. तो तुम्हारा सेविंग पर यूनिट कितने का हो जाएगा? ₹1. ठीक है, एग्जैक्टली तुमको ऐसा ही काम इस क्वेश्चन के लिए करना है. ठीक है, तुम्हारे पास इन ऑल 2 मिनट हैं, आंसर मैसेज करो. तुमको सेविंग पर पीस ही चाहिए. पर पीस चाहिए, पर पीस चाहिए, टोटल सेविंग नहीं चाहिए, टोटल सेविंग नहीं चाहिए, पर पीस चाहिए. दोनों स्कीम में ना? दोनों स्कीम्स के अंदर. सब लोग का आंसर जो है वो करेक्ट ही है, रॉन्ग होगा आई विल से. करेक्ट है एवरीबॉडी? सब लोग करेक्ट हैं अभी तक? करेक्ट है महेश, करेक्ट है आगोश, सब लोग करेक्ट हैं. सब लोग आंसर्स दिया करो, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन द लेक्चर्स विच आर गोइंग ऑन एंड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. सो एंश्योर दैट यू ऑल डू इट, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग दैट डजंट मैटर, यू ऑल शुड आंसर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कुणाल, सुनील, प्रथम, ऑल करेक्ट. सुनो, आई थिंक आई कैन स्टार्ट. तुम लोग को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था आदर्श, वो गलत है. सुनो, देखो, लिखो इधर, दिस इज पार्ट टू. अच्छा, मेरे को बोलो अगर एक वर्कर, यू माइट हैव डन बाय अ डिफरेंट वे, अगर एंड के अंदर आंसर सेम आया दैट्स ऑल ओके. ठीक है, सुनो, मेरे को जरा बोलो, अगर एक वर्कर नॉर्मल वर्कर होता एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लेता? 2 hours. And for every hour we will pay them 2 rupees also. Okay. तो एक यूनिट के लिए मेरा खर्चा 4 रुपए का होता. मैं ऐसे कंप्यूट कर रहा हूं. I can tell you some other way also that you all might have done. That's all perfect. Okay. If your last answer is same, it's all perfect. तो यहां पे लिख के रखो normal cost for 1 unit is equal to 2 hours at the rate of ₹2 per hour. ₹4 पर यूनिट. ना अभी उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द स्कीम्स अंडर
अच्छा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द स्कीम्स अंडर हेल्थ से रो वन, हेल्थ से के अंदर 4500 पे किया, यहां पे 4800 पे किया, डिवाइडेड बाय इतना पे किया कितने यूनिट्स के लिए 1, 2, 5, 0, 3.8, 3.60 ना वो पहला वाला 60, दिस इज 3.84, तो दिस इज सेविंग्स पर यूनिट अंडर हेल्से 4 rupees का नॉर्मल कॉस्ट होना चाहिए था, यहां पे 3.6 का पड़ा, तो दिस इज 0.4। रोवन के अंदर दिस इज 4 - 3.84 इज इक्वल टू 0.16। चलो सर देखो, अभी इंस्टीट्यूट ने जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है और काफी बार पूछा है, ठीक है, काफी बार पूछा है, वो लोग क्या करते हैं जनरली इसके लिए 3 mark रखते हैं, इसके लिए 3 mark रखते हैं, इसके लिए वो लोग 6 mark रखते हैं। एडवाइस मिस्टर ए अबाउट सिलेक्शन ऑफ ए स्कीम ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज अश्योरेंस। वो लोग क्या बोलते हैं, अभी ये बताओ कौन सा स्कीम लॉन्च करने का। तो सुनो सुनो सुनो, अभी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट अधियर करना है, लेकिन यार ना कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था, अगर वर्कर लोग 25% एक्स्ट्रा देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन तो मिस्टर ए एक ऐसा स्कीम लॉन्च करेगा जिसके अंदर वर्कर लोगों को एक्स्ट्रा 20% का बोनस मिल जाए। तो अगर आप लोगों को पार्ट 3 आंसर करना है, तुमको 2 steps के बाद ही पता चलेगा क्या करने का। पहले ये देखो, हैव वर्कर्स फुलफिल देयर कमिटमेंट, इफ वर्कर्स हैव फुलफिल देयर कमिटमेंट फिर सोचो कि कौन सा स्कीम लॉन्च करूं, ओके, एंड देन फाइनली जस्ट मैसेज मी विथ स्कीम टू लॉन्च, ओके, बट यू हैव टू गो इन दीज पर्टिकुलर 2 steps। मैं तुमको 3 minutes ही दे रहा हूं, अभी जो भी कर रहे हो रफ के अंदर ही करना, ओके, फेयर के अंदर कुछ मत करना, आई विल टेक केयर ऑफ द फेयर पार्ट। Till now everybody has answered everything correct. Please check the first part. Everybody check the first part. Have workers fulfill their commitment? Yes or no? That thing is more important. अगर worker लोगों ने अपना commitment fulfill किया, फिर आप लोग करेगा। चलो मैं तुमको 10 seconds और देता हूं, फिर मैं स्टॉप करता हूं, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। चलो सुन, देखो सबसे पहले मेरे को वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन निकालने का है। तुम लोग क्या बोलते हो, हैव वर्कर्स फुलफिल देयर कमिटमेंट? मेरे ख्याल से उन लोगों ने एग्जैक्टली 25% ही एक्स्ट्रा दिया है। अपने को ना वो वाला चीज निकालना पड़ेगा, पहले लिखो जरा प्लीज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। अच्छा तो सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्शन इन, ये सारा डेटा एक मंथ का था मेरे ख्याल से, 1250 यूनिट्स, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन। अभी साथ में देखते हैं कि उनको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था, तो यहां पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 month,
अच्छा मेरे को जरा बोलो एक मंथ के अंदर कितने वर्किंग आवर्स होते हैं? 2000 ओके, वो तो मेरे ख्याल से मंथ बाय मंथ वो तो सेम ही रहेंगे यार, वो थोड़ी चेंज होता है। 2000 और हर यूनिट के लिए 2 आवर्स लगना चाहिए था, या फिर पहले हर यूनिट के लिए 2 आवर्स लगता था। ओके सो देयरफॉर ये वाली जो चीज है 1000 यूनिट्स, ठीक है, तो 1250 माइनस 1000 यूनिट्स, तो वो लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो दिया है 250 यूनिट का दिया है, लेकिन शायद मेरे को परसेंटेज के तौर पे चाहिए। सो देयरफॉर दिस इज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन परसेंटेज, तो 250 यूनिट्स दोज गाइस हैव गिवन एक्स्ट्रा ओवर 1000 ऑब्वियसली, तो यूजुअली वो लोग वो 1000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन देते थे, इस बार 1250 दिया इनटू 100, तो 25% एक्स्ट्रा दिया। अच्छा अभी सोचो आराम से, हैव वर्कर्स फुलफिल देयर कमिटमेंट? यस, इफ वर्कर्स हैव फुलफिल देयर कमिटमेंट यू फुलफिल योर कमिटमेंट। यार अभी टू फुलफिल योर कमिटमेंट यू हैव टू ऑप्शंस। एक मिनट, तुम्हारा कमिटमेंट क्या था? अगर तुम लोग 25% एक्स्ट्रा दिया तो मैं तुमको 20% एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से वर्कर्स लोगों का नॉर्मल वेजेस इन अ नॉर्मल मंथ विल बी 2000 आवर्स, आगे कोई कुछ बोलेगा इंटू 2 रुपीज का वेज रेट, तो उनको रेगुलरली मेरे ख्याल से 4000 रुपीज मिलता होगा, पिछले मंथ भी शायद उतना ही मिला रहेगा। Now you had told them अगर 25% एक्स्ट्रा दोगे तो मैं तुमको 20% एक्स्ट्रा दूंगा, तो इन दिस केस इसका 20% बोले तो 800, तो अभी तुमको 4800 देने का है, एंड 4800 आगे बोलो इज ओनली पॉसिबल अंडर रोवन स्कीम, हेंस मिस्टर ए शुड लॉन्च द रोवन स्कीम। ओके दिस इज वेयर यू विल बी गेटिंग योर फुल मार्क्स, ये सब कुछ लिखने के बाद। ओके तो अभी हम लोग इसके बाद लिखने जा रहे हैं, यू ऑल राइट नाउ लिखो, एज वर्कर्स हैव फुलफिल्ड देयर कमिटमेंट कॉमा मिस्टर ए शुड ऑल्सो फुलफिल हिज कमिटमेंट बाय लॉन्चिंग अ स्कीम विच गिव्स नॉर्मल वेजेस इन वन मंथ इज इक्वल टू टू थाउजेंड आवर्स इंटू 2 per hour इज इक्वल टू 4000। फुल स्टॉप। मिस्टर ए हैज टू गिव 20%
मिस्टर ए हैज टू गिव 20% ऑफ 4000 एक्स्ट्रा. दैट इज रुपीज 800. This is only possible under Roman scheme. Full stop. Therefore, Mr. A should launch Rowan scheme. अच्छा सुनो अभी. आई वॉन्ट टू बी जस्ट नोइंग वन थिंग, हाउ गुड बिजनेस सेंस यू ऑल हैव. ठीक है, ये शायद एग्जाम के अंदर वो कभी भी नहीं आएगा, जस्ट लाइक दैट ओनली. इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ ऐसा हुआ, वर्कर लोगों ने बोला था 25% एक्स्ट्रा देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. तो मिस्टर ए ने बोला था भाई तुमको 20% एक्स्ट्रा दूंगा इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर वर्कर लोगों ने अपना कमिटमेंट तो फुलफिल कर दिया, तो मिस्टर ए को भी अपना कमिटमेंट जो है फुलफिल करना पड़ा. जरा सोचो अगर ऐसा होता तो वर्कर लोगों ने कमिटमेंट दिया था कि ना हम लोग 30% एक्स्ट्रा देंगे. ठीक है, तो मिस्टर ए ने बोला अगर तुम लोग 30% एक्स्ट्रा दोगे ना तो मैं तुमको 20% एक्स्ट्रा दूंगा इन टर्म्स ऑफ बोनस. लेकिन वर्कर लोग 30% एक्स्ट्रा नहीं दे पाए, उन लोगों ने 25% ही एक्स्ट्रा दिया. ठीक है, तो मेरे को जरा बोलो अगर तुम लोग मिस्टर ए की जगह पर हो और मैं तुमको सिर्फ तीन ऑप्शन देता हूं, कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं, सिर्फ तीन ऑप्शन देता हूं, तुम लोग क्या कर. एक मिनट, तुमको सिचुएशन समझ में आया? वर्कर लोगों ने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया, उन लोगों ने बोला था 30 देंगे, 25 दिया. अगर तुम लोग मिस्टर ए हो तो ये तीन में से तुम लोग क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहोगे? सर फर्स्ट नो बोनस सर, सेकंड सर रोवन सिस्टम सर, थर्ड इन दिस केस ऑब्वियसली तो हेल्थ सिस्टम. अगर तुम लोग मिस्टर ए के बदले में हो तो इन तीन में से कौन सा ऑप्शन इंप्लीमेंट करना चाहोगे? अभी देखो, अभी एक चीज जरा याद रखना, तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन हैं तो सही, वर्कर लोगों ने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया तो तुम्हारे पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं. एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ, एंड ऑफ द मंथ मैंने वर्कर लोग को बुलाया, मैंने बोला चलो चलो तो मीटिंग करते हैं, सब लोग आ गए. वर्कर लोगों को भी सिर्फ मैंने दो क्वेश्चन पूछे, मैंने उनको पूछा तुम लोगों को क्या बोला था एक्स्ट्रा कितना देने का, सब लोग चला के बोला 30%. फिर मिस्टर ए ने पूछा तुम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा दिया, सब लोग बोलते 25%. मिस्टर ए बोलता है मीटिंग खत्म, गेट आउट. ओके, ऐसा कर तो सकता है, ओके उसकी कंपनी है कर तो सकता है, बट आई थिंक ऐसा करेगा ना इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ हेट्रेड ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड्स मिस्टर ए, एंड देन ना मिस्टर ए के लिए नेक्स्ट टाइम से इट विल स्टार्ट टू बिकम वेरी टफ टू इंट्रोड्यूस सच स्कीम्स, क्योंकि वर्कर्स लोग के दिमाग के अंदर एक डर बैठ जाएगा यार अगर 30% बोला है, कभी अगर उससे थोड़ा सा भी कम हुआ ना ये तो अपने को बोनस ही नहीं देगा. ओके, सो दिस माइट नॉट प्रूव टू बी अ वेरी गुड थिंग एस्पेशली इन द लॉन्ग रन. तुमको समझ में आया जो मैंने बोला? ठीक है, ऑल्दो कर सकते हो, देयर आर सम पीपल लाइक यू नो अगर तू हिटलर की तरह तू होएगा तो फिर तू ये वाला काम कर ले, तू कर तो सकता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ सेंसिबल आंसर, और कुछ नहीं है. सेकंड, रोवन विल बिकम द अदर एंड, लाइक यू नो कि दिल दरिया बस. ओके, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं महान. तो वर्कर लोग को बुलाया और उनको ऐसा बोला, क्या बोला था तुमको एक्स्ट्रा कितना देने का, सब लोग बोला 30%.
लेकिन तुम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा दिया, सब लोग बोलता 25%। फिर मिस्टर ए ने पूछा डू यू ऑल डिजर्व एनी बोनस, ओके वर्कर लोग बोलेगा नहीं, ओके मिस्टर ए बोलता है फिर भी देखो मैं कितना महान हूं, ओके मैं तो अपना जबान रखेगा ही रखेगा, तुम लोग रखो नहीं रखो मैं तो अपना जबान रखेगा ही रखेगा, तुमको रोवन के हिसाब से ही मैं बोनस दे देगा, ओके सब लोग ताली मार के जाएगा, बाद में बोलेगा मिस्टर ए तो पागल है, ओके हम लोग अपना कमिटमेंट नहीं भी फुलफिल करता तो भी, आगे बोलो वो तो करता ही है तो नेक्स्ट टाइम तो हम लोग फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ओके सो दिस विल बिकम द ऑपोजिट वे लाइक यू नो टू टू लिबरल, सो माइट बी हेल्से विल बी अ मिड वे आउट, ओके सम वेयर इट विल बिकम अ मिड वे आउट, ओके वेयर बाय इन दिस केस यू कैन टेल टू द वर्कर्स तुम लोगों ने बोला था 30% एक्स्ट्रा दोगे, 25% एक्स्ट्रा ही दिया, सो टेक्निकली आई एम नॉट सपोज टू गिव यू द बोनस बट यू ऑल आर एन एसेट टू मी, यू ऑल वर्क फॉर अस, ओके जो भी है तुम लोगों ने एक्स्ट्रा तो दिया ही है, इट इज माई ड्यूटी टू बी गिविंग यू सम रिवॉर्ड, आई कैन नॉट गिव यू द बोनस एज पर द रोमन स्कीम क्योंकि आप लोगों ने अपना कमिटमेंट फुलफिल वो नहीं किया, बट स्टिल वी विल गिव यू से द बोनस एज पर सम अदर स्कीम से हेल्थी स्कीम, ओके सो दिस विल काइंड ऑफ बैलेंस बोथ द अप्रोचेस, वन विल बी अ वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच, वन विल बी अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ अप्रोच, दिस विल बी तो समवेयर इन मिडल एज सच, ओके अगर कभी इंस्टीट्यूट ने वैसा क्वेश्चन पूछा, मेरे ख्याल से तो वो लोग वो नहीं पूछेगा लेकिन अगर कभी पूछा तो, ठीक है इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के लिए देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, डू रिमेंबर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड अ मैनेजमेंट दैट इफ वर्कर्स गिव 25% एक्स्ट्रा देन द कंपनी विल गिव 20% एक्स्ट्रा वेजेस दैट इज बोनस, हेंस फॉर गिविंग द कंक्लूजन फर्स्ट चेक हैव वर्कर्स फुलफिल देयर कमिटमेंट इफ येस द कंपनी शुड फुलफिल इट्स कमिटमेंट एंड लॉन्च अ स्कीम विच गिव्स 20% एक्स्ट्रा, ठीक है चलो ये वाला काम जो है तुम्हारा हो गया, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल टुगेदर डन, ठीक है हेल्से रोवन जो है ना इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, ठीक है एक क्वेश्चन है जहां पे अभी हेल्से रोवन वो आएगा, ठीक है उसके बाद बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर आगे जाके आएगा तभी न्यू स्कीम्स विल स्टार्ट टू बी कमिंग, ये ध्यान से देखना, वेज नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन विद अ रिकॉग्नाइज्ड लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट वॉन्ट्स यू एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद अ व्यू टू अचीव द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये सारा डेटा यूजलेस है, यूजलेस डेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, द केस ऑफ थ्री टिपिकल वर्कर्स, कोई बॉलीवुड बहुत देखता है, ईना मीना डीका हु प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 180, 120 एंड 100 यूनिट्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन द नॉर्मल डे ऑफ एट आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी, तो तीन वर्कर हैं उन लोगों ने इतना 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 यूनिट्स वो बनाया है इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है आगे अज्यूमिंग दैट द डे वेजेस आर गारंटीड एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर आवर and the piece work rate would be based on standard hourly output of 10 units. Calculate the earnings of each of the three workers and the labor cost per 100 pieces under char scheme उन लोगों ने दिया हुआ है, daily wages, piece rate system या piece wages, Halsey scheme, Rowan scheme. तुम लोग मेरे लिए क्या कर रहे हो? I will make the statement, I'll finish off this question. But I just want, सिर्फ जो पहला वाला worker है ना, इना, 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 ठीक है? सिर्फ इना का, मेरे को ये चार स्कीम्स के अंदर चार वेजेस बोल देना, ठीक है सिर्फ इना का, और ये वाला पार्ट भी मत करना लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है ये कर लेंगे बाद में, ठीक है दैट आई विल टेक केयर, सिर्फ इना का इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोग मेरे को चार स्कीम्स के अंदर चार आंसर्स जो है वो बोल दो, ठीक है मैं तुमको चार स्कीम्स के लिए इन ऑल 5 मिनट दे रहा हूं, मेरे को तुम लोग आंसर निकाल के देना, ठीक है मेरे को चार आंसर देना हर स्कीम के अंदर कितने का वेजेस आता है, सोच लेना डे वेजेस, डे वेजेस के लिए यहां पर एक लाइन भी है जिसकी वजह से इट विल बिकम वेरी इजी, ठीक है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ,
आज तुम्हारा अच्छा दिन है, एवरीबडी इज गिविंग ऑल करेक्ट आंसर्स ओनली. डे वेजेस 6 रुपीज. इनफैक्ट डे वेजेस के अंदर तो ऑनेस्टली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इट विल बी गारंटीड एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर आवर. तो एक सेकेंड ना, इट विल बी 75 पैसे इंटू रुपीज, सॉरी 75 पैसे पर आवर इंटू 8 आवर्स, तो ये 6 रुपीज आ जाएगा. आपको पीस वेजेस के लिए सबसे पहले आपको पीस रेट निकालना पड़ेगा. पीस रेट मतलब रेट पर यूनिट, दैट विल बी रेट पर आवर डिवाइड बाय यूनिट्स पर आवर. रेट पर आवर ये है, यूनिट्स पर आवर ये है 0.075. 0.075 का रेट पर यूनिट आ गया इंटू 180, 13.5 आ जाएगा. और हेल्से रोवन के लिए आप लोगों को टाइम अलाउ, टाइम टेकन, टाइम सेव निकालना पड़ेगा. ठीक है, तुम लोग क्या करो, एक नया पेज लेना, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट एक साइड के लिए तो जाएगा ही जाएगा. ओके, एक टाइटल दो जरा, एक टाइटल दो, कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट, ये वाले आंसर्स 9.75 और 9.33 आया था. ठीक है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ द 3 वर्कर्स अंडर द 4 स्कीम्स, अंडर द 4 स्कीम्स. कैलकुलेशन ऑफ द वेजेस ऑफ द 3 वर्कर्स अंडर द 4 स्कीम्स. ये वाला स्टेटमेंट तकरीबन एक साइड के लिए बनाओ. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, ये 4 रोज जरा लिख के रखो. Can I proceed? Yes, sir. चलो सुनो, 180, 120, 100, 8 hours, 8 hours, 8 hours, 0.75, 0.75, 0.75. अच्छा, रेट पर यूनिट हमेशा की तरह क्वेश्चन के ना नहीं है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है वैसे, जहां पे वाला डिटेल नहीं है. सो रेट पर यूनिट विल बी रेट पर आर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आर. तो रेट पर आर इज 0.75, यूनिट्स पर आर इज 10. तो ये आ जाएगा हर जगह पे 0.075. ठीक है,
फिर उसके बाद फिफ्थ। अभी हम लोग सारी की सारी स्कीम्स का आंसर लेकर आ रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले डे वेजेस, देखो डे वेजेस के लिए ऑनेस्टली कुछ मेरे को सोचने का भी नहीं है, क्योंकि सामने मेरे को बोल दिया अज्यूमिंग दैट डे वेजेस विल बी गारंटीड एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर आर। तो डे वेजेस के अंदर यू विल बी पेड 75 पैसे पर आर, तो 75 पैसे पर आर यू विल बी गारंटीड। चलो ठीक है, एंड ऑब्वियसली विल बी वर्किंग फॉर 8 आवर्स नो यार, ओके। तो डिटेल्स के अंदर यू ऑल कैन राइट डाउन रो नंबर 3 इंटू रो नंबर 4, ये हर जगह पर आंसर तुम्हारा 6 रुपीज ही आएगा, हर वर्कर को इनफैक्ट 6 रुपए ही मिलेगा इस स्कीम के अंदर। अच्छा देखो देखो देखो, सामने ना तुमको क्या बोला था, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस भी निकाल के दो। देखो मेरे को जरा बोलो, इना को यू आर पेइंग 6 रुपीज, मेरे को बोलो फॉर प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स, 180। उनको ना बस प्रपोर्शनेट कॉस्ट बता देना फॉर 100 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पे लिख देना डे वेजेस पर 100 यूनिट्स, तो अपने को ये वाला चीज कैसे मिलेगा, इट विल बी रो नंबर 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो रो नंबर 1 के अंदर है इनटू दे वांटेड फॉर 100। किसी को नहीं समझा तो 6 रुपीज इज अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू बी पेइंग फॉर 180 यूनिट्स, दे वांटेड फॉर 100 यूनिट्स। उनको यहां पर लिखा हुआ है दे वांट लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 6 × this / 180, बस मैंने वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर ये वाला जो चीज है दिस इज 6 / ये आ जाएगा 3.33, ये आ जाएगा 5 रुपीज, और ये तो 6 ही रहेगा। मेरे को जरा बोलो लास्ट वाले के ना कंप्यूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि वैसे भी बंदे ने तो 100 यूनिट ही बनाए ना यार। चलो ठीक है, 7th, ये तुम्हारा एक स्कीम का आंसर मैंने खत्म कर दिया पूरा, ठीक है। जस्ट कीप ऑन मेकिंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस जब एक स्कीम खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद वेजेस अंडर एसपीआर, पीस वेजेस बोले तो एसपीआर, दैट विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। तो 180 इंटू 0.075 9 7.5 8 वेजेस अंडर एसपीआर पर 100 यूनिट्स। तो दीज आर द वेजेस फॉर दीज मेनी यूनिट्स। तो रो नंबर 7 डिवाइडेड बाय रो नंबर 1 इनटू 100, मेरे ख्याल से वो सब जगह पर सेम फिगर ही आना चाहिए, हर जगह पर 7.5 ही आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली 7.5 कैसे आना चाहिए, इनटू 100 नो, या यू कैन बी डू, दैट्स ओके। तो अंडर दिस पर्टिकुलर प्लान दे बेसिकली जस्ट वॉन्ट कि लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स कितना होएगा। इस प्लान के अंदर हर यूनिट के लिए तुम लोग 0.075 पे कर रहे हो, तो 100 यूनिट्स के लिए देख लो हर जगह पे 7.5 वो सेम फिगर ही आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा काम ऑफ पीस वेजेस, ठीक है। अभी उसके बाद हेल्से रोवन अगर करने का है तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उसके बाद टाइम टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, डिफरेंस आ जाएगा टाइम सेव, तो टाइम सेव विल बी रो नंबर 9 माइनस रो नंबर 10। उसके बाद आ जाएगा बेसिक वेजेस, उसके बाद आ जाएगा बोनस अंडर हेल्से, उसके बाद आ जाएगा बोनस अंडर रोवन, उसके बाद आ जाएगा टोटल वेजेस हेल्से, दैट विल बी बेसिक प्लस बोनस नो, सो 12 + 13, ये आ जाएगा टोटल वेजेस अंडर रोवन,
12 + 14, उसके बाद टोटल वेजेस हेल्से रोवन, ठीक है, उनको क्या चाहिए था बेटा, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस भी तो चाहिए, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स हेल्से, एक मिनट, लेबर कॉस्ट पर 100, मैंने 100 नहीं लिखा, सॉरी, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स अंडर हेल्से, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स रोवन, चलो सुनो, अभी आराम आराम से स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक मिनट, एक्चुअल प्रोडक्शन रो नंबर 1 के अंदर है, ठीक है, 180 यूनिट्स, तुम लोगों ने कंप्यूट किया था तो मेरे को बता सकते हो, मेरे को बोलो 180 यूनिट्स के लिए कितने आर्स लगने चाहिए थे, 18, क्योंकि हर आर के अंदर 10 यूनिट बनने चाहिए थे, सो आई एम राइटिंग रो नंबर 1 डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स पर आर, ठीक है, आई हैव रिटन रो नंबर 1 डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स पर आर, तो 18 आवर्स लगना चाहिए था, 12 आवर्स लगना चाहिए था, 10 आवर्स लगना चाहिए था, अच्छा सब लोग मेरे को बोलो वर्कर लोगों ने कितने आवर्स काम किया बेटा, 8 आवर्स, तो टाइम सेव्ड इज गोइंग टू बी 10 4 2, बेसिक वेजेस विल बी नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आर, इनफैक्ट बेसिक वेजेस एंड डे वेजेस विल बी सेम ओनली, तो ठीक है अभी फिर से कंप्यूट कर लेते हैं, रो नंबर 3 इनटू रो नंबर 4, वो पहले भी वही किया था, तो 6 रुपीज आ जाएगा, अभी फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, यहां पे अगर चाहो तो लिख ही देना, विल बी बेटर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर, एक दिन तुमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, पक्की बात, दिस इज टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस, तो 0.75 इंटू 10 इंटू 50% 3.75, अभी एक्चुअली तुमको मेरी हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं, यू ऑल कंटिन्यू नो प्लीज, यू ऑल फिनिश इट ऑफ, मैं लास्ट दो के लिए भी लिख ही देता हूं जो तुम लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ ही चुका है, आप 2 ले लो, अच्छा एक सेकेंड ना, क्योंकि somebody asked me this, so therefore आई एम टेलिंग यू ऑल, ओके सुनो मेरे को, तुम लोग जरा बोलो 1/3 × 3 इज हाउ मच, 1, लेकिन कैलसी के ऊपर अगर पहले ये किया फिर ये किया ना, तो आंसर 0.9999 आता है, वो कैलसी का लिमिटेशन होता है, तो जब आप वो 1.99 वगैरह वो देखते हो ना, इट इज नॉट दैट यू आर राउंडिंग इट ऑफ टू 2, इट इज एक्चुअली 2 ओनली, लेकिन कैलसी के ऊपर ऐसा दिखाई देता है, तुमको समझा जो मैंने बोला, ओके सो जस्ट बी केयरफुल, वो राउंडिंग ऑफ वो नहीं होता, वो तो कैलसी का लिमिटेशन है, कंप्यूटर अगर एक्सेल के ऊपर वो करोगे तो वो बराबर से वो करेक्ट आंसर ही आएगा, ओके लेकिन वो कैलसी का वो लिमिटेशन होता है, तो वो राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, दैट इज कैलसी का डिसएडवांटेज एंड नथिंग एल्स, ओके ये कंप्लीट करो प्लीज,
तीन मिनट दे रहा हूं, नहीं तुमको मैं दो मिनट दे रहा हूं, खत्म करो। मेरे को लास्ट आंसर्स अगर बता सकते हो तो अच्छा रहेगा, ये वाले और ये वाले। 6.25, 6.75, 6.67, 6.67, 7.2, 7.2। एक मिनट और दे रहा हूं, जिन लोगों का नहीं कंप्लीट हुआ प्लीज कंप्लीट कर लो। ये आंसर्स आ जाएंगे तुम्हारे। ये 0.75 ही आता है क्या बेटा ये? यस सर। और ये नीचे वाला 1.2। चलो सर, चलो ये हो गया सब लोग का? यस सर। चलो सुनो, बस आज का अपना लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर। ये क्वेश्चन के अंदर तो ऑनेस्टली कुछ शॉर्ट्स वाला देर इज वो नथिंग लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द आंसर्स यू ऑल हैव ओनली डन। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है अपना लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ डी कंपनी, ओके ठीक है, योर असिस्टेंट फाउंड एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ द वेजेस of the factory workers and he wants you to verify his work. He has extracted the following information. ठीक है, the contract provides that, अब ये ध्यान से पढ़ना please. Okay, the contract provides that minimum wages, minimum wage मतलब guaranteed wages for a worker is his base rate. It is also paid for downtimes. Downtime का मतलब the machine is under repair or the worker is without work. The standard work week is 40 hours and for overtime production workers are paid at 150% of base rates. ठीक है, so अभी ना तुमको एडवांस के अंदर मैं कुछ और बता रहा हूं ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। देखो नीचे ना 6 वर्कर्स का डेटा दिया हुआ है, नीचे 6 वर्कर्स का डेटा है इधर, राजेश, मोहन, जॉन, अक्षय, महेश, अनिल, ठीक है, ये लोग कौन से प्लान के अंदर हैं वो इधर दिया हुआ है, एसपीआर 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 पीबीपी क्या है वो मिल जाएगा। इमर्सन एक ऑथर था, जैसे हैल्से रोवन थे वैसे इमर्सन भी था, ठीक है, तो हर एक वर्कर जो है वो कौन सी स्कीम के अंदर है वो इधर दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा था कि ना ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ डी कंपनी योर असिस्टेंट फाउंड द एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एंड ही वॉन्ट्स यू टू वेरीफाई हिज वर्क, ठीक है, तो तुम लोगों ना ये वाला कॉलम चेक करने का है जहां पे वेजेस कंप्यूट हुआ हुआ है कि ये वाला वेजेस भाई करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो तुमको ये वाला कॉलम वेरीफाई करना है, ठीक है।
ये जो एसपीआर वाला प्लान है ना, ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर है, देख लो एसपीआर। फिर उसके बाद पीबीपी वाला पॉइंट नंबर 3 है, इमर्सन वाला पॉइंट नंबर 4 है। तो ये वाला जो प्लान है ना, ये पहले 3 वर्कर को अप्लाई होता है जो अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है। फिर परसेंटेज बोनस प्लान सिर्फ अक्षय को अप्लाई होता है, और महेश और अनिल को लास्ट वाले 2 प्लान अप्लाई होते हैं। तो फिर ये पॉइंट नंबर 1 किसको अप्लाई होता है, ये सबको अप्लाई होता है। क्यों? देखो यहां पे क्या था, द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट मिनिमम वेजेस फॉर अ वर्कर इज इज बेस रेट, इज ऑल्सो पेड फॉर डाउन टाइम्स, डाउन टाइम का मतलब मशीन इज अंडर रिपेयर और द वर्कर इज विदाउट वर्क, द स्टैंडर्ड वर्क वीक इज 40 आवर्स फॉर एनी ओवर टाइम प्रोडक्शन, वर्कर्स आर पेड एट 150% ऑफ बेस रेट। तो ये वाला जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये सारे के सारे वर्कर्स लोगों को अप्लाई होता है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी डैम वर्कर, ठीक है, टू एवरी डैम वर्कर, ठीक है। अभी उसके बाद एसपीआर प्लान पढ़ रहे हैं, वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर पीस। एसपीआर के अंदर दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी नोइंग दैट व्हाट इज द रेट पर यूनिट, सो रेट पर यूनिट इज 20 पैसे पर पीस, चलो ठीक है। परसेंटेज बोनस प्लान बाद में पढ़ेंगे, इमर्सन प्लान बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या है, ये और ये अगर पढ़ लेंगे ना अपने, कौन से वर्कर लोग का काम खत्म हो जाएगा, फर्स्ट 3 वर्कर्स का, ठीक है। तो मैं वो वाला काम अभी खत्म करने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आगे जरा पढ़ना डेटा के अंदर और क्या क्या है। राजेश, मोहन, जॉन, अक्षय, महेश, अनिल, आई एम मेनली इंटरेस्ट इन फर्स्ट 3 वर्कर्स फॉर जस्ट नाउ। तीनों को एसपीआर प्लान अप्लाई होता है, टोटल आवर्स 40, 46, 44। देखो मोहन के अगेंस्ट एक एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, टोटल आवर्स ऑफ मोहन विल इंक्लूड 6 ओवरटाइम आवर्स, चलो ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि टोटल आवर्स ऑफ मोहन इंक्लूड 6 ओवरटाइम आवर्स। एक मिनट, ये 6 ओवरटाइम आवर्स, शायद अगर मैं ये वाला चीज भी ध्यान से पढ़ता ना, तो मेरे को पता चल जाता कि 6 घंटे का ओवरटाइम है। मेरे को बोलो, मेरे को कैसे पता चलता? 40 आवर्स ही है, स्टैंडर्ड वर्क वीक इज ऑफ 40 आवर्स, ओके। तो 40 आवर्स के ऊपर शायद अगर बंदा काम करेगा तो इन एनी केस तब ओवरटाइम आ जाएगा, ठीक है। तो जॉन ने भी यहां पर 4 आवर्स का ओवरटाइम ही किया है, तो आईसीएसई एक बार लिख दिया, घड़ी घड़ी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चल पड़ते हैं, डाउन टाइम का मतलब यू ऑल नो, वहां पे वो लिखा हुआ था दैट द मशीन इज अंडर रिपेयर और द वर्कर इज विदाउट वर्क, सो 5-, आगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतना, स्टैंडर्ड यूनिट्स यहां पे देने की कोई जरूरत नहीं थी, बेस रेट इतना, और उन लोगों ने जो वेजेस कंप्यूट किया हुआ है ना वो इतना है, ठीक है। तुमको यही वाला काम वेरीफाई करना है, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग वेदर कैलकुलेशन ऑफ वर्कर्स वेजेस इज करेक्ट और नॉट, गिव डिटेल्स, ठीक है। सुनो अभी तुम लोग क्या करना, तुम लोग ना ये वाला स्टेटमेंट बनाओ, तुम लोग स्टेटमेंट टू शो करेक्ट वेजेस, अगर तुम्हारे पास बुक है तो यू ऑल कैन फिल अप ओवर देयर ओनली, दिस आई हैव ऑलरेडी प्रिंटेड इन योर टेक्स्ट बुक एक्चुअली, ओके। तो अगर बुक है यू ऑल कैन राइट ओवर देयर ओनली बेटा, वर्कर्स राजेश, मोहन, जॉन, अक्षय, महेश, अनिल, ग्रॉस वेजेस जो उन लोगों ने अपने को देके रखा हुआ है, ठीक है। अभी हर एक के लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, तो 6 वर्कर हैं, 6 वर्किंग नोट, ठीक है। देखो अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं फर्स्ट 3 वर्कर्स की कहानी, ठीक है। अभी तुम लोग अपना स्टेटमेंट मत देखो, तुम लोग क्या करना, पॉइंट नंबर 1 बराबर से सुनना, बराबर से सुनना, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, उससे मिनिमम वेजेस मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, उससे तुम लोग को वेजेस एज पर प्लान मिल जाएगा, वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, नो, वी विल पे व्हाट एवर इज हायर, ठीक है। तो अभी तुम लोग ये वाला काम जो है ट्राई करो, मेरे को तुम लोग फर्स्ट वर्कर को कितना वेजेस मिलेगा वो तुम लोग मेरे को निकाल के दो। पहले एक बार ये वाला डेटा देख लो, किधर नोट डाउन कर लो अगर तुम्हारा मन है तो, देन आई विल स्क्रोल अप टू शो यू पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अगर बुक नहीं है तो। सिर्फ राजेश का मेरे को जरा बोलना, तुमको ये लास्ट वाला कॉलम वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो तुम लोग कंप्यूट करो, एंड के अंदर कंपेयर कर लेंगे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर, राजेश ने 40 घंटे काम किया जिसके अंदर से 5 घंटे का डाउन टाइम भी है, 400 यूनिट्स बनाए, बेस रेट इज 1.8, वो तुम लोग सोच लेना 1.8 इज पर आर के पर यूनिट। और अभी ये वाला डेटा देख लो, और मेरे को जरा बोलो राजेश को कितने का वेजेस पे होना चाहिए,
सब लोग करेक्ट है। सब लोग करेक्ट है। चलो सुनो, यू ऑल हैव गॉट करेक्ट आंसर्स, लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल वन क्वेश्चन। आई जनरली टेंड टू बी आस्किंग इन ओनली दोज बैचेस वेयर बाय आई थिंक दैट किड्स आर बिट इंटेलिजेंट। सो यू आर अ इंटेलिजेंट बैच, दैट इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। मेरे को बोलो, इज दिस 5 पार्ट ऑफ 40? यस सर। इफ आई डेयर टू आस्क यू हाउ डू यू नो, व्हाट विल यू रिप्लाई? आई विल गिव यू अ प्रॉपर आंसर। तो आई कैन से टोटल आवर्स डज नॉट इंक्लूड डाउन टाइम। आई कैन ऑलवेज बी सेइंग लाइक आई कैन से टोटल वर्ड मींस एक्सक्लूडिंग डाउन टाइम। ओके, सो दैट मींस इट इज अजम्पशन। सर मतलब जब हम लोग काम करेंगे तभी तो मशीनरी का यूज होगा। बेटा लेकिन तब आप काम नहीं करते हो ना, मशीन इज अंडर रिपेयर। सो आई कैन ट्राई टू बी सेइंग कि टोटल आवर्स के ना वो वाली चीज नहीं हो सकती। दीज आर द टोटल वर्किंग आवर्स, और 5 घंटे तो काम नहीं हुआ ना। सर इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द वर्कर। बराबर बात है, बट दैट डजंट स्टिल से दैट हाउ डू यू नो दिस 40 इंक्लूड्स 5 और नॉट। आई कैन ऑलवेज बी सेइंग कि 5 आवर्स इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द वर्कर। He has worked for 40 hours. Apart from that, there was 5 hours ka downtime. I can always be arguing, no, like that. Why that argument is wrong? Normal idle time is pure question ke andar kidhar bhi nahi hai, beta. Normal idle time is lunch break, tea break. Ye downtime hai. Downtime matlab beech mein machine kharab ho jayega, ye wo. Is question ke na downtime hai. Normal idle time. अच्छा देखो, अभी मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना मेरा आर्ग्यूमेंट, होप सो इट मेक्स सेंस टू यू ऑल। इफ 5 वाज नॉट पार्ट ऑफ 40, टोटल आवर्स वुड हैव बिकम 45। फिर जैसे उन लोगों ने एस्ट्रिक मोहन के लिए दिया ना, फिर वो लोग राजेश के लिए भी एस्ट्रिक देते और बोलते कि 5 घंटे का ओवर टाइम है। तुमको समझा जो मैंने बोला? अगर उन लोगों ने नहीं बोला है, मतलब इसके लिए कोई ओवरटाइम नहीं है, अगर इसके लिए कोई ओवरटाइम नहीं है इन दैट पर्टिकुलर केस, दैट विल ओनली मीन दैट 40 के अंदर 5 इंक्लूडेड है। बिफोर यू आस्क मी द नेक्स्ट डाउट, इज दिस ओके व्हाट आई रिप्लाइड राइट नाउ? नहीं सर। अगर 5 के अंदर 40 नहीं होता तो टोटल आवर्स कितना हो जाता? 45। और उन लोगों ने ऊपर ये लिखा हुआ था दैट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ऑल्सो पेड फॉर डाउन टाइम्स, तो मतलब तभी टोटल आवर्स 45 हो जाता। तो 45 आवर्स अगर हो जाता तो 40 से ज्यादा हो जाता, तो फिर यहां पे 5 घंटे का ओवर टाइम भी आता। तो फिर वो लोग यहां पर एस्ट्रिक मार के लिखता कि इस बंदे का भी 5 घंटे का ओवर टाइम है। yes, समझा तुम लोग को? yes, अभी कोई मेरे को बोल सकता है सर जो आप बोलते हो परफेक्ट, सर आप बोलते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर जॉन के लिए भी उन लोगों ने एस्ट्रिक नहीं मारा। लेकिन जॉन के लिए वो लोग नहीं एस्ट्रिक मारेगा क्योंकि जॉन का डेटा इज एग्जैक्टली सेम एज मोहन। ओके, क्योंकि मोहन और जॉन दोनों केसेस के अंदर नॉर्मल, सॉरी ये जो डाउन टाइम था ये वाला टाइम वो नहीं था। सो बोथ ऑफ देम आर द केसेस विच आर एब्सोल्युटली सेम एक्सेप्ट द नंबर्स। ये वाला केस अलग था। इफ आई वॉज, ये वाला डाउट तो ऑनेस्टली मेरे अलावा किसी को आता भी नहीं है। ओके, लेकिन इफ यू डीपली थिंक ना, सो दीज थॉट्स आर वेरी नॉर्मल टू कम ऑल्सो। ओके, हाउ डू वी नो? जस्ट बिकॉज उन लोगों ने वर्ड टोटल लिखा है। अगर वो लोग टोटल नहीं भी लिखते ना तो भी जो मैंने बोला दैट रीजनिंग विल अप्लाई ओनली, क्योंकि अगर सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, सो 40 के अंदर 5 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बस अभी मैं आंसर जो है वो खत्म कर रहा हूँ। यू ऑल राइट डाउन, प्लीज लिखो इन योर नोटबुक्स, यू ऑल राइट डाउन वर्किंग नोट 1, राजेश, वेजेस एज पर एसपीआर। चलो मेरे को इतना तो बोल दो यार, अभी वेजेस एज पर एसपीआर विल बी विच नंबर इनटू व्हाट नंबर? 40 नंबर ऑफ यूनिट्स बोले तो 400 ना
इनटू रेट पर यूनिट वो कितना है बेटा 20 पैसे, तो इनटू 0.2 400 यूनिट्स इनटू 0.2 तो ये आ जाएगा 80। लेकिन सब लोगों को एक मिनिमम वेजेस का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस 40 आवर्स इनटू, तुम लोगों एक चीज स्ट्राइक हुआ था कि बेस रेट इज रेट पर आर ओनली नो, और वो इंप्लाइड है, कैसे पता चलता है, क्योंकि उसका मेंशन पॉइंट नंबर वन के अंदर है बेटा, पॉइंट नंबर वन के अंदर एवरीथिंग इज आवर्स के हिसाब से, सो ऑब्वियसली दे विल गिव यू रेट पर आर ओनली नो, ओके, सो देयरफॉर 40 आवर्स इनटू 1.8 दिस इज 72, वी पे व्हाटएवर इज हायर दैट इज 80। सुनो, अगर तुम्हारे पास बुक है तो यहां पर ना दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट है जैसे वो बनेगा, तो मिनिमम वेजेस 72 आया, वेजेस एज पर प्लान 80 आया, सो वी पे 80। मैंने बना के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाए, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सुनो, अभी तुम लोग सेम काम मोहन के लिए भी करो, रफ के अंदर करो, मेरे को आंसर पहले बताना, उसके बाद की बात उसके बाद करेंगे। ये ओवर टाइम का रूल एक बार पढ़ लो, देन आई स्क्रोल डाउन। फॉर ओवर टाइम प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड 150% ऑफ बेस रेट्स। आप लोग नेक्स्ट दो के लिए रफ के अंदर आंसर निकाल लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूं, मोहन के लिए और जॉन के लिए। तुमको दो मिनट ही दे रहा हूं, प्रथम वो गलत है। रोशन, आई वॉन्ट बोथ दी आंसर्स, आगोश करेक्ट है, क्रिश करेक्ट है, मेह करेक्ट है, साक्षी गलत है बेटा। मेरे को मतलब आई वॉन्ट द हायर ऑफ द टू, आई विल बी ओके विद दैट। चलो अब मैं स्टार्ट ही करता हूं, दैट विल बी बेटर। सुनो, बस यहां पे एक ही चीज था कि मिनिमम वेजेस के अंदर ना वो ओवर टाइम भी आ जाएगा, तो वर्किंग नोट टू, मैं वर्किंग नोट टू कर रहा हूं, तुम लोग वर्किंग नोट थ्री खत्म करोगे। मोहन, वेजेस एज पर एसपीआर 455 यूनिट्स है at the rate of 0.2, तन में वो रॉन्ग है बेटा। आयुष हर्षी करेक्ट है वो। अच्छा, वेजेस एज पर एसपीआर, उसके बाद मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस के अंदर मैं ना दो हिस्से यहां पे लिख रहा हूं, नॉर्मल और ओवरटाइम। 40 आवर्स नॉर्मल, 6 आवर्स ओवरटाइम एट द रेट ऑफ 1.8 एट द रेट ऑफ 2.7। सबको 2.7 समझ में आ गया? इट इज 150% ऑफ बेस रेट्स, ओके, सो देयरफॉर दिस इज 72, दिस इज 6 इंटू 2.7, दिस इज 16.2। याद रखना, मिनिमम वेजेस पॉइंट नंबर वन के हिसाब से था, वहां पर ओवरटाइम के बारे में लिखा हुआ था, तो ओवरटाइम वगैरह मिनिमम वेजेस के लिए कंप्यूट करने का। एसपीआर प्लान के ना सिर्फ रेट पर यूनिट ही आएगा बेटा, तो 88.2, तो हायर विल बी 91। आप लोग वर्किंग नोट थ्री खत्म कर लो। तीसरा बंदा जो है उसका नाम क्या है? जॉन।
सब एक्टर लोगों के नाम भर के रखे हुए हैं। मैं टाइम पास कर रहा हूं, प्लीज यू विल कंटिन्यू। किसी को क्वेश्चन चाहिए तो देख लो बेटा। यहां पे भी 4 आवर्स का ओवर टाइम है जॉन का। करेक्ट है साक्षी। फोर ट्वेंटी फाइव इंटू 0.2 85 आता है। दिस इज 4 × 2.7 10.8 82.8 और 85 ठीक है। अपनी स्टेटमेंट के अंदर सब लोग बेटा बुक है तो जस्ट कंप्लीट दिस प्लीज। 88.2 91 एक मिनट, ये 88.2 था ना, ये वाला ये 82.8 था। चलो सुनो मेरी बात। तुम्हारा ना तीन वर्कर्स की कहानी होगी विच वॉज स्लाइटली सिमिलर, ठीक है। अभी तुम लोग ट्राई करना, ये अच्छी चीज है। अगर थोड़ा सा बीच में तुम्हारे पास 20-30 मिनट स्पेयर होएगा दिन में, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना और पॉइंट नंबर 1 फिर से पढ़ना। और पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से मिनिमम वेजेस आ जाएगा, पॉइंट नंबर 3 का उसका एक प्लान है जो उन लोगों ने सॉलिड वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से आंसर यहां पे लिखने का ट्राई करना, ठीक है। सेम वे उसके बाद यहां पर इमर्सन प्लान जो है तो वो पढ़ के आंसर लाने का ट्राई करना, ओके। अच्छा पार्ट है दिस, इन एनी केस हम लोग कल ही खत्म करेंगे, ओके। लेकिन आप लोग ट्राई करना, अगर उससे पहले आंसर्स आ जाते हैं दैट्स गुड वर्क, ठीक है। चलिए आज के लिए वो बंद करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो ज्यादा टाइम लगेगा टू रीड दिस एंड टू मेक यू ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर खुद कर पाते हो दैट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है तो वो खत्म करते हैं।